नमस्कार, मैं हूँ शैलेंद्र। न्यूज एन के सांकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। दादी के साथ बाजार गई 4 वर्षीय मासूम के साथ हुई दुष्कर्म की घटना। बच्ची को बचाने में लगे चिकित्सक, नाबालिग आरोपी गिरफ्तार। कांग्रेसियों ने महापौरी के लिए ठोकी ताल, समर्थकों के साथ पहुंचे राजनिवास। लगातार 15 दिनों के विवाद के बाद आज हुआ परशुराम आश्रम का भूमि पूजन। अब खबरें विस्तार से। दादी के साथ बाजार गई 4 वर्षीय बच्ची के साथ हुआ दुष्कर्म, बेहोशी की हालत में कराया गया भर्ती। हनुमाना थाना क्षेत्र बरगी गांव में दादी के साथ बाजार सामान खरीदने गई थी, जहां दुकानदार के नाबालिग बेटे ने उसे खेलने के बहाने अंदर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की बड़ी वारदात को अंजाम दे फरार हो गया। वहीं बेहोशी की हालत में उक्त बच्ची को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहाँ से उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों का कहना है कि बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है तथा उसे बचाने की लगातार कोशिश की जा रही है। इस घटना की जानकारी के बाद रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह एवं एडिशनल SP मोहगंज विजय डावर मौके पर पहुंच मौके का मुआयना किया। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया गया। प्रस्तुत है रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह से जानकारी के अंश। कहाँ से हैं? बरही गांव। हाँ, तो ये जो बच्ची के साथ हुआ कैसा हुआ है बताइए। वो हम लोग घर पे कोई नहीं थे, ये 6 सदस्य इंसान में हम इधर हैं और मेहरिया लोग रहे हैं केव हनुमाना के जंगल पहाड़। कल हम पश्चिम साइड परसिया चले गए थे, वहाँ से शाम के लोग के गए घर पे, वो छोटे छोटे बच्चे रहे तो और स्कूल चला गए हैं, गला मिलत है तो वे गला ले चला गए हैं और वहाँ से जो है तो लोग आए, 2 बच्चे थे, एक बच्ची एक बच्चा घर में, तो बंटी खेल रहे हैं आपस में। तो वो लोग जो है तो वो आदमी जब पहुँचा तो उसका मारा है शायद, पकड़ के फिर अंदर ले गया है। वो अंदर ले गया जब तो फिर वो जो छोटा बच्चा रहा वो जो है तो भगा, तो ये कोल के घरे या नाव के घरे गया तो बता दिया कि सिबनिया के फलनों मारा है फिर उसका। और वहाँ से जो है फिर वो लोग जब गाँव मोहल्ले के पहुँचे तो फिर जो उन्हें देखी तो फिर खोल के निकल के भगाया गया, तो देर रात पहुँचे हैं। तो आरोपी क्या पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया अभी? अभी वो उसको लड़का के जो उन्हें करा है लड़का, उसको बड़े पापा को पकड़े हैं। गलत काम हुआ है क्या? पूरा मामला एक घटना रिपोर्ट हुई है, इसमें एक 4-5 साल की बच्ची के साथ किसी 12-13 साल के लड़के ने गलत करने का प्रयास किया था, जिस पर से हमने तत्काल मामला कायम किया है और हमने आरोपी को हिरासत में ले लिया। आज प्रातः सगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत भाटी गांव के नहर में एक लाश तैरती देखी गई, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वही सूचना के बाद पहुंची डायल 100 व पुलिस ने विवेचना की। प्राप्त जानकारी के अनुसार सगरा थाना अंतर्गत भाटी नहर में एक शव पाया गया, जिसकी पहचान अमहा लालगांव निवासी सचिन विश्वकर्मा के रूप में की गई, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों को सूचित किया। वहीं बताया कि मृतक रीवा में सरदार पटेल बस स्टैंड के समीप संचालित एल्युमिनियम की दुकान पर कार्य करता है। वहीं परिजन हत्या की आशंका जाहिर कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस ने मर्म कायम कर शव को परीक्षण के लिए चिकित्सालय भेज दिया। प्रस्तुत है थाना प्रभारी ओंकार तिवारी से जानकारी के अंश। कोई घर वाला मिल जाएगा? 17 साल का बता रहे तो चेहरों तो फूल रहा है, अब पानी में बहे बहे वो इसी में लाश हो जाएगी। पिता के संतोष नाम है, संतोष विश्वकर्मा। ये पर्ची में है हिसाब तो? पर्ची में पूरा हिसाब था। ये हिसाब है किताब है, ये सब में हो क्या मादर चौकी चौरसी दोनों मिल के करेंगे। आप देखा तुम ये एक नवयुवक की लाश मिली है, सचिन विश्वकर्मा पिता संतोष विश्वकर्मा निवासी अमहा थानागढ़ का है, जो वर्तमान में पूरा नए बस स्टैंड के पीछे रहता था रीवा में।
मर्ग कायम कर पंचनामा कार्रवाई की जा रही है। थाना समान में उसका गुम इंसान कायम है, डायरी अग्रिम कार्रवाई तो थाना समान भेजी जाएगी। शहर के इटौरा बाईपास के समीप बने परशुराम आश्रम को प्रशासन द्वारा भारी दमखम के साथ गिराया गया था। वहीं लोगों के बढ़ते आक्रोश को देख अब प्रशासन पीछे हट गया और विगत दिवस युवा विधायक राजेंद्र शुक्ल, सांसद जनार्दन मिश्र व SDM मौके पर पहुंच तपस्वी 1008 श्री संकादिक महाराज से खेत जताया। साथ ही इस भूमि को आश्रम को देने की बात भी कही एवं आश्रम को बनाने में सहयोग देने के लिए भी कहा, जिसके बाद आज उक्त आश्रम क्षेत्र में साधु संतों द्वारा संकादिक महाराज की उपस्थिति में पुनः भूमि पूजन किया गया। वहीं आज होने वाली दूसरी धर्मसभा सहित निकलने वाली रैली को आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया गया। प्रस्तुत है एक झलकी सहित संकादिक महाराज से जानकारी के अंश। ये लड़ाई धर्म की, हिंदुत्व की, राम जी की चर्चा जो भगवान का अपमान की, इसका कल समाधान हो गया है। हम किसी के बेचे हुए नहीं हैं और राम जी की चर्चा ना किसी के हम गुलाम हैं, हम साधु हैं। साधु हैं, साधु रहेंगे और किसी की कोई ताकत। राम जी की इच्छा से जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय श्री राम। राम जी की इच्छा से हमारी क्षमता से, सैन्य क्षमता से बात हो गया है। हम इसी अपमान के लिए हमारा बुलाया थे क्या? यहां से कोई नहीं जाएगा। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब हमारा अगर आप सब आदेश मानते हैं तो शांति के साथ बैठिए, भगवत चर्चा करिए, भगवान का प्रसाद पाइए और भगवान का प्रसाद पाके यथा यथा जाएंगे। सर आज आप लोग ने रैली का आयोजन किया है, सर इसके पूरा मामला क्या है? नहीं, रैली का आयोजन किया था, रैली का आयोजन किया था जो यहाँ ये यज्ञ मंडप इत्यादि राम जी से जो गिराया गया था इसके विरोध में, मगर कल यहाँ राम जी की इच्छा से प्रशासन और शासन आके इस कृत के लिए क्षमा मांग गए हैं और बोला है कि इस भूमि को हम प्राश्चित के रूप में भगवान को नाम से आवंटित करेंगे। कल माननीय अपने विधायक जी आए थे, हाँ हाँ, सर उन्होंने क्या आश्वासन दिया? हाँ बोले ना कि वो राम बोले कि हम इस भूमि को जो प्रोसेस करके वो भगवान के नाम से आवंटित करा देंगे। रीवा शहर कांग्रेस कार्यालय में आज NSUI के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष मंजुल त्रिपाठी, युवा कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष अनूप सिंह चंदेल एवं युवा कांग्रेस शहर अध्यक्ष जुबेर खान कनीसू ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 किसान बिल का विरोध किया, साथ ही शिवराज सरकार को युवा विरोधी बताते हुए कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण युवा अपराध जगत में फंसता जा रहा है और रोजगार के अभाव में सट्टा, जुआ व कोरेक्स शराब की पैकेजिंग करने के लिए मजबूर है। वहीं किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती के अवसर पर स्थानीय पद्मधर पार्क में शंखनाद कर दिल्ली कूच करने के लिए सम्मेलन करने की जानकारी दी। प्रस्तुत है वार्ता के अंश। शुभकामनाएं आप सभी को। जो है कल मंजुल त्रिपाठी जी भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के नए जिलाध्यक्ष बने हैं और आज हम सभी युवा साथियों की तरफ से किसान आंदोलन जो चल रहा है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं की इस जिले से भागीदारी हो और 12 तारीख को किसान आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हों। अगर केंद्र की भाजपा सरकार जल्द से जल्द किसानों को मांगों को नहीं मानती है तो रीवा जिले से युवा दिल्ली के लिए कूच करेगा और उस किसान आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होंगे। किसान जो होता है अन्नदाता होता है और देश का हर व्यक्ति उस पर आश्रित होता है।
क्योंकि किसान जब तक अन्न नहीं उगाएगा तो किसी का जीवन संभव नहीं है। और वही किसान जिसको लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था, वो किसान आज खेतों में काम करने की बजाय सड़क पे बैठा हुआ है। पिछले 2 महीनों से सड़क पे संघर्ष कर रहा है और देश केंद्र की भाजपा सरकार और तानाशाही नरेंद्र मोदी जी के कानों में जू तक नहीं रेंग रहा है, उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। साथ ही संगठन द्वारा जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीरज कुंदन जी, प्रदेश प्रभारी नीतीश गौर जी, प्रदेश अध्यक्ष विपिन वानखेड़े जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही हमारे प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष पूर्व अजय सिंह राहुल भैया, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के द्वय अध्यक्ष आदरणीय गुरमेंद सिंह मंगू भैया, श्री भगत शुक्ला जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिनकी अनुशंसा पर मुझे आज ये दायित्व मिला है। और मैं कोशिश करूँगा कि सभी ने जो मेरे ऊपर भरोसा किया है उस पर मैं खरा उतरूँ। और आप सभी से भी निवेदन है, जिस तरह आपने एनएसयूआई को पहले भी प्यार दिया है, आगे भी ऐसे देंगे। मैं सभी छात्रों से ये अपील करूंगा, 12 तारीख को कांग्रेस द्वारा जो किसान आंदोलन किया जा रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच कर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और इसके बाद एनएसयूआई अगर नरेंद्र मोदी जी नहीं मानते हैं तो दिल्ली के लिए कूच करेगी सभी छात्रों के साथ और सड़क पर उतर कर आंदोलन करेगी। मैं यूथ कांग्रेस शहर रीवा का अध्यक्ष हूँ। जो मुझे पार्टी ने दायित्व दिया है उसका पूरी तरीके से एकदम संघर्ष के साथ यूथ कांग्रेस इस किसान के मामले को लेकर, जो आज देश का किसान लगातार 42 दिन से इस ठंड में वहाँ सड़कों पर बैठे हुए हैं, इतनी बारिश के बाद भी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कान और आँख दोनों चलने बंद हो चुके हैं, जिसके बाद आज हमारे देश का जो अन्नदाता है, जो इस देश के पेट भरने वाले लोगों का अन्नदाता है, वो आज लगातार 42 दिन में 52 किसान शहीद हो चुके हैं, फिर भी मोदी सरकार जो है जागने का काम नहीं कर रही और इस काले कानून से किसान ख़त्म हो जाएगा, जिसका यूथ कांग्रेस आने वाले समय में रीवा में जो 12 तारीख को किसान सम्मेलन होने जा रहा, उनके कंधे से कंधा मिलाकर मोदी सरकार की ईंट से ईंट बजा दे। नगरी निकाय के चुनाव की घोषणा के बाद सभी पार्टियों ने रायशुमारी शुरू कर दी। इसी कड़ी में नगर निगम के महापौर पद के लिए कांग्रेस ने भी रायशुमारी शुरू की और विगत दिवस कांग्रेस संगठन द्वारा रीवा के प्रभारी बनाए गए पूर्व मंत्री व कांग्रेस विधायक हर्ष यादव विगत दिवस रीवा है और महापौर के दावेदारों से 1-to-1 राजनिवास में चर्चा की। वहीं महापौर का चुनाव लड़ने वाले अपने समर्थकों के साथ राजनिवास पहुंचे। इस दौरान विधायक हर्ष यादव ने दावेदारों से टिकट न मिलने की स्थिति में 2 अन्य नाम भी पूछे जो महापौर के पद के लिए सुयोग्य हों। इस दौरान वार्ड 12 के पार्षद डॉक्टर विनोद शर्मा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष नगर निगम कविता पांडे, समाजसेवी अनुपम तिवारी, जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू, विभूति नारायण मिश्र सहित शिव प्रसाद प्रधान व अन्य चेहरे अपना ताल ठोकते नजर आए और अपनी दावेदारी पेश की। इस दौरान प्रभारी ने दावेदारों से पूछा, चुनाव कैसे जीतेंगे, आपका एजेंडा क्या है। वहीं 1974 से कांग्रेस के लिए समर्पित चेहरे शिव प्रसाद प्रधान ने भी अपनी दावेदारी पेश करते हुए कहा कि उनकी चर्चा हुई जी प्रभारी लोगों से जी, आपको क्या आश्वासन दिया, क्या बातें आपने रखी। हमने यही बात रखी है, आप पूरा सर्वे रीवा का कराइएगा और सबसे पूछे कांग्रेसियों से पूछिएगा सबसे बेस्ट कैंडिडेट कौन हो सकता है, यदि मैं हूँ तो मुझे दीजिए। जैसे उनका गाइडलाइन है कि आप 3 नाम बताएं, तो आपने वो 3 नाम कौन से बताए। हमसे कुछ पूछा ही नहीं, जब मेरा बायोडाटा लिया, जब मैंने बात रखा तो कोई दूसरा नाम उन्होंने पूछा ही नहीं, सिर्फ मेरे बारे में पूछा गया। क्या इस बार भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच से टिकट देने की संभावना है या फिर इस बार जिस तरह से हमारी मुलाकात हुई है पर्यवेक्षक जी से, तो ऐसा लग रहा है कि सही में जो अच्छा कांग्रेस कार्यकर्ता होगा, जो सही में आज तक लगा रहा कांग्रेस में, उसी को टिकट दिया जाएगा और जिसकी संभावना होगी वही जीतेगा। जहां चाह वहां रहा, यह ऐसी कहावत है जो रीवा के दूरस्थ अंचल पहुंचविहीन क्षेत्र की आदिवासी महिलाओं द्वारा बनाए गए महिला संगठन बहिनी दरबार पर एकदम सटीक बैठता है। इसका क्षेत्र भले ही सीमित हो लेकिन इसका असर व्यापक है।
गायनी दरबार कोई दरबार या गप हाँकने की कोई अड्डा नहीं बल्कि आदिवासी महिलाओं द्वारा समस्याओं को साझा करने हैंड बुलेटिन है। सिटी न्यूज़ वन के परिक्रमा कार्यक्रम अंतर्गत आज हम आपको ले चलते हैं बहनी दरबार। रीवा जिले मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर तराई अंचल में स्थित धबौरा में बहनी दरबार नामक बुलेटिन का प्रकाशन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य दलित व आदिवासी महिलाओं की समस्याओं को उजागर करना हुआ पत्र संचार के माध्यम से अपनी बात शासन व प्रशासन सहित आदिवासी और दलित गाँव तक पहुँचाना जहाँ पर अखबार व समाचार नहीं पहुँच पाते। इस बुलेटिन की महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे इस संगठन की महिलाओं द्वारा हाथ से लिखा जाता है और फिर फोटोकॉपी कराकर साइकिल व पैदल दूर दूर तक पहुंचाया जाता है। माह में एक बार निकलने वाले इस बुलेटिन का असर अब दिखाई देने लगा है। इस संगठन की महिलाएं गांव-गांव जाकर आदिवासी व दलित महिलाओं की समस्याएं सुनती हैं और उसे समाचार के रूप में बुलेटिन में छापती हैं, जिसे एडिटिंग का काम भी इन्हीं द्वारा किया जाता है। भले ही आज समाज छुआछूत के खत्म होने का दावा कर रहा है, लेकिन इस बहनी दरबार बुलेटिन की जरूरत इसी छुआछूत कुंठा के कारण वर्ष 2008 में उत्पन्न हुई। हुआ कुछ यूं कि एक गांव की आदिवासी महिला जो हैंडपंप से पानी भरने जाती थी, उसे सिर्फ इसलिए रोका जाता था कि वह एक आदिवासी है और शिकायत करने पर उसकी सुनी भी नहीं जाती थी। लेकिन एक दिन जब समाज की कई महिलाओं ने एक साथ मिलकर आवाज़ उठाई तो सब पर इसका असर हुआ। उसी दिन से इन महिलाओं ने बहनी दरबार की नींव रखी। दरबार 2008 से शुरू हुआ है। 2008 से शुरू एकर कारण ही है कि हमारे कैलसिया दलित बहनी हैं तो हमारे साथ में जुड़ी हैं, तो उनके घर के सामने उनके घर के पीछे एक सार्वजनिक जगह में हैंडपम्प एक सामान्य घर के सामने था, जहां हमें डेली और पूरे मोहल्ला दलित SC ST OB दोनों समाज के हैं, सामान्य भी हैं। तो उनके घर में सवेरे 4 बजे पानी भरे की जरूरत पड़ रही तो डेली जाबा करती रहीं। तो बहन दरबार से वो रहीं कलसिया पानी भरे जाते रहें तो उनका बाल्टी डिब्बा फेंक देते रहें, तो कहाँ छुआ छूत के लेके मुद्दा रहा। तो वहाँ जो SC समाज से सब कलसिया रहीं और जो सामान्य महिला रहीं तो अपने घरे पानी ले जाबा कर रहीं, उन्हों घरे हैंडपम्प नहीं लगा रहा, तो उन्हों के मन से रू काम करे जा रहे हैं ना, उनके काम करे आ रहे बाजार में। तो कलसिया कहीं कि ऐसा है दिद्दा, आज हम पानी भर ले जल्दी से हमारे घरे में रोटी बनावे के जही कामे पर। तो कहे तोर ऐसे रोज का रोज काम है, हम ना भरे दे पानी, आज हम भर ले तब तो भरवे। तो कहे नहीं बहनी ऐसा कह के कहीं तो पानी मार छू दे थे। तो वो सामान्य वर्ग की महिला रही है, SC रही, तो ओकर बाल्टी बड़े तेज से फेंक दीन। तो कहन कि हमारा बाल्टी काहे फेंक दे है, तो कहीं हम उसे फेंक दे हमारे पानी तो छू देवे। तो कहन कि हम छूती ही हन का, तो कहे से नहीं हम छूती ही हाथ छूती ही है, तय कहें ठीक है वहाँ चली आई पानी भर लीन। फिर दूसरे दिन गई तो ऐसे फिर करीन। तो एक कैलसिया बहनी कहीं कि अब हम का करी जे FIR करी, तो हमारे लगे आई। तो कहीं कि का करी बहनी, हमारे जौन दुआरे में हम बम्बा लगा है तो हमें पानी भर जाते थे तो हमारे बाल्टी में फेंक देती हैं, तो हम कहन काहे कहीं कहा हमारा पानी छू जात है। तो कहन कि चलो ठीक है गान, तो समझान दूसरे दिन कैसन करा कि ये सार्वजनिक जगह में सबके जरूरत पानी की होती, सबके भरे के पावर है तो भरे दे। कहें नहीं इचमार हो के हमारे पानी छू दे थी, तो हम कहें तू ऐसा अब शब्द काहे भाषा बोले। तो कहें कि हम जैसा नहीं तैसा न बोलब, हम कहें चलो ठीक है। तो हम 8-10 महिला कलसिया बहनी घर में बैठन, कहन कि आप का करी कहें चला जाए ना FIR करावा जाए। जब थाने डबोरों FIR करे गान, हम चल लिखे पढ़े कुछ नहीं रहन गान। तो कहन कि साहब ऐसा ऐसा बात थी, तो थानेदार रहें तो मुंशी कहें देखा हो का कहती हैं। तो कहें का हो गया, हम कहन का ऐसा भय कि कैलसिया पानी भरे रोज जाती हैं तो उनका परेशान करते हैं, उनका डिब्बा बाल्टी आज फेंक दिन पुन के तीसर दिन हो गए। तो कहें कि अगर जाई हो गए इसे कह दे अपना अपना के आहन, हम कहन कि हम मनाई आहन और के आहन। तो कहें ठीक है बहुत दिक्कत थी तो भर ले दी उन्होंने पानी। तो कहन नहीं भाई उन्हों जरूरत हम जरूरत है पानी भर तो ले, पर जो कहती हमारा पानी छू जाता है। तो कहें कि नहीं हो गया जाइ हम समझा दे। तो कहन कि ठीक हो गया, दिन भर पर लिखे रहे हैं, दूसरे दिन तीसरे दिन वो नहीं गए समझाए पुलिस वाले। तो पुन एक दिन सोचन के ऐसा है कि बिना कुछ करे लिखे पढ़े न ले चिट्ठी, कहीं हाँ जा लिखवाए लिया हुआ। तो सामाजिक कार्यकर्ता जगदीश भाई रहे तो उनसे हमसे गान, तो कहन कि हमारा अर्जी लिख दे। वो कहते हैं कि अर्जी लिख लिया हुआ, तो हमहूँ अर्जी नहीं बनान नहीं से लिखवान आन। तो कहन तो कहें लिखिन जगदीश भाई लिखिन चिट्ठी अर्जी बनाइन थाने के, कहें जा हम जब गान कहीं तू पचे फिर आई गए तो
हम कहन का करी, जब काम नहीं हो तो का करी, वही कर बार बार तो कहन की दा का लिखे पढ़े है, हम देखान की है लिखे पढ़े हान, पानी भरे भाई कार्यवाही किन जाए, तो कहन ठीक है चलिए, कहन के लिखी सी, हम कहन एक जने रहे मोहल्ला में सामाजिक कार्यकर्ता जगदीश भाई सुन से लिखवान है, कहन ठीक है दे दई दे हम बचे अर्जी, अर्जी दई के आन तो कहन है जाइ हम समझा बुझा देव, तो फिर समझाए बुझावे गए नहीं गए इतना पुन ज्ञान तो कहन के हाँ समझाए दाने अब ना होई, ओकर बाद हम सोचन कि अब ठीक नहीं आए अपन संगठन जरूरी है, तो फिर हम कलसिया हमहूँ और फिर दो तीन चार थे और महिला रहीं, फिर निर्मला आदिवासी रहीं तो उनका अध्यक्ष बनान और कलसिया जनावती के सचिव बनान, सबके मिलके एक संगठन बना, हम कहें जब तक संगठन न बनी तब तक के सुनने वाला नहीं आए, तो संगठन बना का ओकर नाम रखा बहिनी दरबार, बहिनी दरबार मतलब होता है एक स्वैच्छिक बहिनी दरबार बनान कि हमें कोनो पैसा रुपया नहीं लगाता है, महिलान खातिर हम कहन जितना महिलान के साथ अन्याय अत्याचार हुई घरेलू हिंसा हुई जो लोग परेशान करी ओका हम पचे यहीं में एक कागज़ लहन पाँच पन्ना का हम कहन यहीं में खबर एक लिखा करब गाँव की खबर, भाई जो मीडिया वाले होते हैं सरकारी अखबार होते हैं वो गाँव तक पहुँचत नहीं आए, तो ऐसे हम पचे कहन आपन हम पचे काहे अपने बहनी के संगठन बना के अखबार बना ली, तो ओकर नाव रखन बहनी दरबार पत्रिका सीमित बुलेटिन, तो बुलेटिन के रूप में पत्रिका नहीं हो बुलेटिन है, तो जैसे बुलेटिन में हमारे कोनो में पंजीयन रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, हमारा पावर होता है कि हम बुलेटिन बना के अपन खबर निकाल सकी थी, तो 2008 में 3 जनवरी का हम पचे कर बड़ा मीटिंग करन, तो हमें एक रहीं महिला रहीं अहमदाबाद से महाराष्ट्र से आई रहीं जनक लली रहीं तो उनसे उद्घाटन करवान हमसे गीत गाना संग करवान जातिवार गीत गाना करवान, अब उतने समय 25 महिला जुड़ी रहीं 25 से फिर 200 से 300 500 लगातार ऐसे हम पचे हर महीना में 20 तारीख को बैठ के गांव की समस्या लिख के और फिर 30 तक लिख जाती, लिखे के बाद फिर हमें फोटो कापी करवाए फिर गांव-गांव में बंटवाए थे, पहले गांव में बंटवान थाने में फिर थाने में दहन अस्पतालन में दहन रेलवे स्टेशन में दहन स्कूलन में दहन आंगनबाड़ी जो बहनी है रहती उनका दहन सबका दहन, ओके बाद दूसरे साल से फिर 500 हो गए ऐसे गांव-गांव में पहुँचवावे लगा, 33 समय 110 गांव हैं तेंगथर जबा सिरमौर ब्लॉक में तेंगथरों जबा ब्लॉक में है जबाऊ में है, तो 33 समय महिला 3000 हुई गई एक पढ़त समाज को जागरूक करने के लिए शिक्षा की कोई बड़ी डिग्री या धन बल की जरूरत नहीं होती, यह सब कर दिखाया डबौर अंचल की ग्रामीण महिलाओं ने, करीब आधा दर्जन महिलाओं ने समाज सेवा की शुरुआत की, इसके साथ आज 200 से अधिक सक्रिय कार्यकर्ताओं महिलाओं का समूह 3000 से ज़्यादा बुलेटिन छाप रहा है और कई ऐसे सुदूर गांव हैं जहां अखबार नहीं पहुंच पाता और न ही उस क्षेत्र की समस्याएं मीडिया पर आ पाती, इसके लिए बहनी दरबार नाम की एक हस्तलिखित बुलेटिन निकलना शुरू किया, इस बुलेटिन के माध्यम से क्षेत्र की समस्याओं के साथ ही शासन की योजनाओं के बारे में भी ग्रामीण महिलाओं को अवगत कराया जाता है, बहनी दरबार में जहाँ लोगों की समस्याओं को सुन और शासन की नीतियों व उनकी सुझावों को लोगों तक पहुंचाया जा रहा, वहीं अब बहनी दरबार ने जागरूकता फैलाते हुए सैनिटरी पैड बनाने का भी कार्य शुरू कर दिया है। मैं 2016 में बहनी दरबार में जुड़कर मैं फील्ड वर्क का काम कर रही हूं, तो मैं तेंथर ब्लॉक में 10 पंचायत में काम करती हूं, जैसे कि गांव में भी कई प्रकार की समस्या होती है, पानी की समस्या है, महिलाओं के साथ कई प्रकार की घटना घट जाती है, उसमें भी हम लोग हस्तक्षेप करते हैं, इससे बहनी दरबार में मैं जुड़कर मेरे गांव में ऐसी अभी तो घटना ऐसी सामने नहीं आई, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर बहनी दरबार में हम कोई भी समस्या बताते हैं तो ये ज़्यादातर हर विभाग में जाता है, हर विभाग को पता चलता है और इसी के माध्यम से आप लोगों को भी पता चलता है, तो आप लोग भी गाँव-गाँव में जाकर समस्या को निकालते हैं, उसका हल भी करते हैं। तो बहनी शब्द यह शब्द इस रखा ही रखिन कि या बहनी एक सामान्य शब्द है या दरबार माने बातचीत करब कि एक बातचीत कह के हमारे बच्चन के अखबार हम नहीं पढ़ पाए थे, हम पैसा नहीं आए गामन में अखबार जात नहीं आए, तो ये लोग अपने हाथ से लिखी अपने बघेली भाषा में लोग लिखिन और गाँव-गाँव जहाँ अखबार नहीं जाता है तहाँ अपन ये लिखित बात पहुँचौती हैं अपने भाषा में, तो वह गाँव के बातचीत होती कुछ पढ़ाई लिखाई के बारे में होते कुछ सरकारी योजनाओं के बारे में होते, अलग अलग पढ़ें तो बड़ा अच्छा लगा, हम पढ़ी थी गाँव के सब लोग मैं पढ़ा था
तो वो लड़कियों के जो पढ़ाई लिखाई में है सामान्य ज्ञान बहुत सारी बातें होती हैं। तब हम जो जानन जब टीवी वाले आए और मध्य प्रदेश एमपी पीएससी में लीन गा प्रश्न पत्र माँ 2017 माँ कि यह बहिन दरबार कहाँ से हस्त लिखित निकला था, तब हम पचे जानन या अगले साल के करंट न्यूज माँ जो छपा रहा जनन माँ तो हम है या जी के माँ। चलते चलते आज की प्रमुख खबर एक बार पुनः। दादी के साथ बाजार गई 4 वर्षीय मासूम के साथ हुई दुष्कर्म की घटना, बच्ची को बचाने में लगे चिकित्सक, नाबालिग आरोपी गिरफ्तार। कांग्रेसियों ने महापौरी के लिए ठोकी थाल, समर्थकों के साथ पहुंचे राजनिवास। लगातार 15 दिनों के विवाद के बाद आज हुआ परशुराम आश्रम का भूमि पूजन। आज की खबरों में बस इतना ही, कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।